बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक फूड वेब्स और फूड चेन से रिलेटेड काम कराया था, उसमें मैंने कुछ चीज़ें कराई थी जो समझाने के लिए कराई थी, लेकिन उसका मैंने देखा मीनिंग सही नहीं बन रहा। ठीक है, तो मैंने एक करेक्शन वीडियो बनाई है ताकि आप लोग उसको बेटर तरीके से समझ लें, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मैंने समझाने के लिए की है। बाद में मैंने उसको देखा जब तो वो सही तरतीब में नहीं थी और वो समझाने के लिए थी, लेकिन उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं थी, तो मैं ज़्यादा डिटेल वाली इस पर वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले फूड वेब और आज हम फूड चेन को समझेंगे। फूड वेब को समझने के लिए आपको सबसे पहले फूड चेन को समझना होगा। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन शो करती है, उस वाली वीडियो को मैं डिलीट कर दूँगी, लेकिन अगर आप में से किसी ने देखी है या शायद पढ़ी भी रहे, तो उसमें अगर आप में से किसी ने देखी है तो उसको करेक्शन कर दीजिएगा प्लीज़। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब उसमें जब मैंने फूड चेन बनाई थी ना, तो मैंने फॉरेन एंट्री होती है फूड चेन, ठीक है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने नीचे नीचे लेकर समझाने के लिए बना दी थी, लेकिन वो गलत होता है, ठीक है। तो इन चीज़ इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, लेकिन फूड चेन हॉरिजॉन्टली होती है, मैंने आपको समझाने के लिए बना दी, लेकिन हमने करेक्शन वीडियो बनाई उसके लिए, ठीक है। सबसे पहले हम फूड चेन करते हैं, फूड चेन बनाई जाती है टू शो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। फूड चेन में फूड चेन सबसे पहले हम लेबलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फूड चेन है, ठीक है। फूड चेन मेरे पास किस किस्म की है, जैसे एक सिंपल फूड चेन ले लेती हूँ, फाइटोप्लांकटन। अब सबसे पहले इन दो लफ्ज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फाइटोप्लांकटन, ठीक है। और उसके बाद फिश, मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, मेरा बोर्ड जो है ना बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है तो उसमें पूरा नहीं होता, ठीक है, इसलिए अक्सर आप लोगों को जो है ना बहुत कंजेस्टेड नजर आता है। अच्छा, सबसे पहले फाइटोप्लांकटन क्या होता है? फाइटोप्लांकटन मींस दो टर्म्स होती है, मिलती जुलती, फाइटोप्लांकटन और जूओप्लांकटन, ठीक है, एक मिनट, जूओप्लांकटन, ठीक है। फाइटोप्लांकटन ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, पी फॉर प्लांट्स, पी फॉर फाइटोप्लांकटन, ठीक है। जू में क्या होते हैं? एनिमल्स, ठीक है। जूओप्लांकटन ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और यूनिसेलुलर ही होते हैं यूजुअली, ठीक है, जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, दे आर कॉल जूओप्लांकटन। कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करता है लाइक प्लांट्स, ठीक है, उसको फाइटोप्लांकटन कहते हैं। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, पानी फ्लोट करते हैं, दे आर कॉल फाइटोप्लांकटन एंड दीज आर कॉल जूओप्लांकटन। और अगर थोड़ी अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करती हूँ कि आपको आपके करिकुलम से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँ, ताकि आपका आंसर बेस्ट बन सके और समझ आ सके, ठीक है। करिकुलम में ज़्यादा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा समझाऊँ ताकि आंसर समझ आए, ठीक है। अब ये हमारे पास एक फूड चेन है, ठीक है। इस फूड चेन को स्टार्ट किसने किया? एक फाइटोप्लांकटन ने। फाइटोप्लांकटन ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं। तो फूड चेन शुरू किससे होती है? फोटो सिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस की एनर्जी कहाँ से आती है? उसमें सन से, ठीक है। तो कोई भी फूड चेन में बेसिकली जो सोर्स आती है वो सन से आती है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ईट नहीं करता, लेकिन कोई भी फूड चेन अगर कभी शुरू होगी तो किसी फाइटोप्लांकटन से ही शुरू होगी, ठीक है। और जो चीज़ जो सबसे पहली चीज़ जो आपके एक क्या कहते हैं फूड चेन में आती है उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर हमारा प्रोड्यूसर है फाइटोप्लांकटन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्रिल, फिश, सील। फिश क्रिल को खाती है और सील फिश को खाती है। क्रिल की सबसे पहले और क्रिल फाइटोप्लांकटन को खाती है। फाइटोप्लांकटन की एनर्जी जाएगी क्रिल में, क्रिल की जाएगी फिश में, फिश की जाएगी सील में। देखो एनर्जी की ट्रांसफर के लिए एरोज बनाई गई है, ठीक है। इन एरोज को कहते हैं लिंक्स, ठीक है। इन एरो का नाम होता है लिंक्स, ठीक है। और इन चीज़ों को जो अलग है इनको कहते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है, इनको कहते हैं कंज्यूमर्स। अच्छा, क्या होता है ना, जब एक एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, तो 90% ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड, ठीक है। 90% ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है हमेशा, ठीक है। और 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसके पास है 10,000 kilojoules एनर्जी, ठीक है। मैंने एक जीरो ज़्यादा लगा दिया था, मुझे लग रहा था 10,000 kilojoules उसके पास है। उसके पास जाएगी 1,000, ठीक है। इसके पास जाएगी 100, इसके पास जाएगी 10, ठीक है। सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसकी वजह से, क्योंकि एनर्जी इतनी कम ट्रांसफर होती है, इसकी वजह से बहुत जो बड़ी अगर कोई फूड चेन हो जो बहुत रेयर होता है, उसमें 6 लिंक्स होंगे, यूजली 4 to 5 होते, उससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें 6 लिंक्स तक चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक फूड चेन को हमने समझ लिया, फूड चेन में जो हॉरिजॉन्टल होगी, इस तरह अगर वर्टिकल में लिखेंगे या इस तरह, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फूड चेन को फाइटोप्लांकटन, क्रिल, ठीक है, फिश और सील, इस तरह ही किसी भी तरीके से लिखूंगी तो रॉन्ग आना चाहिए, ठीक है। हमेशा एक फूड चेन इस सीक्वेंस में ही होती है। अब हम समझेंगे व्हाट इज अ फूड वेब। अब हम समझेंगे व्हाट इज अ फूड वेब। फूड वेब में क्या होता है असल में, कि कई ढेर सारी, ठीक है, फूड वेब में एक से ज़्यादा, ठीक है, एक नहीं होती, 2, 3, 4 फूड चेन्स का कनेक्शन होता है। इंटर कनेक्शन ऑफ द मल्टीपल फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड और द इंटरकनेक्शन और द नेटवर्क, ठीक है। उसको आप नेटवर्क से रेफर कर दो, ठीक है, इंटर कनेक्शन से रेफर कर दो, जिससे आपको करना है कर लो, ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स इज कॉल्ड अ फूड वेब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फूड वेब की मैं आपको देती हूँ अभी। अच्छा, ये मैंने एक एग्जांपल ऑफ फूड वेब लिखी है जो कि है यूरोप के एक फॉरेस्ट का, ठीक है, जो मैंने बुक यूज़ किया है, उधर से मैंने रेफरेंस लिया, ये इतना अच्छा नहीं बन पाया, बट स्टिल मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बनाने की। अब देखो आप इस पर इसको कोई ऑर्डर नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं किया, ठीक है, वेब है पूरा, जैसे आप किसी भी चीज़ का वेब बनाते हो, ठीक है, इसमें इधर लाइन जाइए, उधर लाइन जाइए, फूड चेन नहीं, फूड चेन में यू लाइन जाती है सर, ठीक है, लिंक्स जो होते हैं ना जिसको हम कहते हैं एरोस, ठीक है। और जो है ना कहते हैं इसमें कितनी सारी फूड चेन्स हैं, देखो मैं आपको फूड चेन की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। ग्रास से फूड चेन शुरू हुई रैबिट, फॉक्स, पहली फूड चेन, ठीक है। ग्रास से शुरू हुई वोल, कैस्ट्रो, ठीक है, ये दूसरी फूड चेन, ठीक है। ब्लैकबेरी से शुरू हुई ब्लैकबेरी, वोल, आउल, तीसरी, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैकबेरी से शुरू हुई माउस, कैस्ट्रो, चौथी, ठीक है। फिर उसके बाद नेटल से शुरू हुई नेटल, एफिएट, बीटल, पांचवी, नेटल से शुरू हुई कैटरपिलर, ब्रूटेड, छठी, ठीक है। और इस तरह ये इतनी सारी हैं, ये देखो एफिएट से यहाँ पर भी जा रहा है, सॉरी मैं बनाना भूल गई थी, ठीक है। ये इतनी सारी मतलब इसमें है फूड चेन्स, इतने अलग अलग तरीके के, देखो एक और निकली हमारे पास 6 के अलावा 7 फूड चेन्स है इसके अंदर, नेटल, एफिएट, ब्रूटेड, ठीक है, ये एक अलग फूड चेन है। तो देखो आप कितनी सारी फूड चेन्स है एक फूड वेब में। तो दिस इज हाउ अ फूड वेब वर्क्स। तो अब मैं आपको एक फूड वेब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगी ताकि आप उसको सॉल्व कर सको आराम से, ठीक है।
अच्छा जो फ्यू क्वेश्चन मैं आपको फॉर एग्जांपल दे सकती हूँ उनमें से ताकि आप लोग सॉल्व कर सके और साथ में आंसर भी दूंगी। सबसे पहले नेम एनी थ्री फूड चेन्स फ्रॉम दिस फूड वेब, ठीक है। सबसे पहले कौन सी होगी इसमें, ग्रास रैबिट फॉक्स पेट फूड, ठीक है, ग्रास वर्ल्ड कैशल, तीन होगी, ठीक है। आप इसमें से कुछ से कोई भी फूड चेन्स तरह बना सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ तीसरी बता देती हूँ, दूसरी होगी सॉरी, ठीक है। उसके बाद हो गई ग्रास वर्ल्ड कैशल, ठीक है। आप कुछ भी इसमें से बना सकते हो, ठीक है, खुद से और आपका आंसर ठीक होगा। अच्छा अब कह रहे हैं नेम थ्री प्रोड्यूसर्स इन द फूड वेब, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, मैंने बताया प्रोड्यूसर हमेशा फाइटोप्लैंकटन होगा, ठीक है। फाइटोप्लैंकटन ना भी हो, एक ऐसी चीज ही होगी जो फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है, यानी प्लांट, ठीक है। फाइटोप्लैंकटन नॉट कंपलसरी कि फाइटोप्लैंकटन होगा, मैंने आपको वो एक पानी के ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल दी थी, इसलिए इसमें फाइटोप्लैंकटन था, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करता है वो जरूरी है। इसमें तीन ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स, ग्रास, ब्लैकबेरी, प्लैंकटन, ठीक है। नेम थ्री कंज्यूमर्स, कंज्यूमर इनको छोड़ के ना, इतने पार्ट को, इन तीनों को छोड़ के ऊपर में से कोई भी लिख दो, तीन कंज्यूमर हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं नेम वन प्रेडेटर, प्रेडेटर इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इवन मेरे ख्याल से इनको ज्यादा बेटर है कि आप इनको छोड़ दो, रैबिट, वोल, इनको माउस, एफियट, इनको छोड़ दो, उसके कैटेगरी इनको छोड़ दो, बाकी इनसे कोई भी प्रेडेटर कर लो, फॉक्स कर लो, ठीक है, क्योंकि ये जरा बड़े है ना तो ज्यादा अच्छी हो जाती है, वरना आज ठीक है, ठीक है। इसमें फॉक्स कर लो आप, प्रेडेटर हो गया, ठीक है, कैशल कर लो, ऑल कर लो, ब्लू टिट कर लो, बीटल कर लो, ठीक है। ये सारे प्रेडेटर्स हैं, इनमें से कोई भी एक नाम लिख दो, मैंने वन का मुझे इसके बता दी, ठीक है। फिर उसके